अपना देश, जिसके बारे में एक आम धारणा बन चुकी थी कि यह देश कभी भी साफ नहीं हो सकता। सालों से गंदगी का कलंक हमारे देश का दुर्भाग्य बन गया था। पिछली सरकारों ने योजनाएं तो चलाई पर केवल कागजों पर। योजनाएं केवल पैसे कमाने का साधन बनकर ही रह गई थी। चाहे मां गंगा की सफाई हो या रेलवे स्टेशन के वादे, पिछली सरकार ने वादे तो बहुत किए पर हर जगह गंदगी दिखना एक आम बात हो गई थी। देश का दुर्भाग्य ही था कि जहां एक परिवार विलासितापूर्ण जीवन जी रहा था, वहीं लाखों परिवारों की महिलाएं खुले में शौच करने के लिए मजबूर थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि लेकिन पिछले 55 साल के सत्ता सुख को चुनौती दी 55 महीने के सेवा भाव ने। देश बदलने का बीड़ा उठाया उस प्रधान सेवक ने जिसने सत्ता को सुख नहीं साधना माना, जिसने गंगा को नदी नहीं माँ मानकर उसकी सेवा का संकल्प लिया। पूरे रेल तंत्र को सुंदर और स्वच्छ बनाकर देश की लाइफलाइन को नया जीवन दे रहा है, जो देश की करोड़ों बहु बेटियों के स्वाभिमान के लिए हर घर में शौचालय बनवा रहा है। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान को सरकारी योजना नहीं बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा कर दिया। सफाई को एक मंत्र बनाकर घर घर तक पहुंचा दिया। आज भारत का बच्चा बच्चा खुद को स्वच्छ भारत से जोड़ भविष्य के भारत की नींव रख रहा है।